के नेता पूर्व विधायक श्री रविंद्र प्रताप मल जी और वरिष्ठ नेता श्री गंगा शरण पांडे जी, उपस्थित श्री राधेश्याम जी और सभी हमारे इसके अधिकारी श्री एलिमको के प्रबंध निदेशक उप प्रबंधक श्री मृणाल कुमार जी, आज के अवसर पर मैं बहुत अभिभूत हूँ कि हमारे इस जिले के इतने 110 दिव्यांग बंधुओं को आज ऐसा एक ट्राई साइकिल के माध्यम से साधन मिलेगा जिससे वो उससे चल के चल फिर सकेंगे और उससे अपने कार्य भी कर सकेंगे। इधर आ जाइए आप लोग, प्रिंस यहाँ से ऊपर से आप लोग ले लीजिए, इधर से और हरी झंडी इधर आइए, आप इधर आइए भैया। हमारे सभी दिव्यांग जन वही बैठे रहेंगे, सबको एक सूक्ष्म जलपान है आप लोगों को। तो उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी था इस कार्यक्रम में और ये बताना चाहेंगे जो गाड़ियां मिली हैं हमारे विशेषज्ञ पूरे आए हुए हैं आज यहाँ पे, पूरा सीख के जाएंगे। गाड़ी का जो एक क्षमता होती है वो 100 किलो तक की क्षमता है, इस पे 2 या 3 लोग ना चले। जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, चार्जिंग कैसे करते हैं, कितनी देर के लिए चलती है गाड़ी, वो सब करिएगा। और हमारा एक इसमें टोल फ्री नंबर दिया हुआ है कानपुर कार्यालय का, वो आप उसमें फ़ोन कर सकते हैं या राय साहब के ऑफिस में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसी हमारे पास कंप्लेन आएगी अगले एक हफ्ते में उसका निदान कर दिया जाएगा यहीं पे आपके देवरिया जनपद में आके। और सबके लिए गाड़ियां हैं यहाँ पे, तो जो दूर से आए हैं उनको हम पहले निकालेंगे। तो भगदड़ ना मचाएं यहाँ पे, सबके लिए स्वल्प आहार की व्यवस्था की गई है, तो आराम से अपना सामान लेके जाएंगे यहाँ से। थैंक यू। मेरे प्यारे भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि देवरिया जिले में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 110 मोटराइड ट्राईसाइकिल का वितरण हुआ है। जो एलमको कानपुर से मोटराइड ट्राईसाइकिल गई थी उनका वितरण हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर, शुभ अवसर पर बहुत जगह भारतवर्ष में बहुत जगह वितरण होने वाले मोटराइड ट्राईसाइकिल और भी सहायक उपकरण का, जो उपकरण होते हैं, जो भी सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, बैसाखी छड़ी, कमोड वाली व्हील चेयर होती है, घुटने का बेल्ट, कान की मशीन, सभी जो भी उपकरण है उसका वितरण अभी 3 दिसंबर के शुभ अवसर पर होने वाले हैं। तो उसमें उड़ीसा के बालासोर में 2 दिसंबर को होने वाला है, केंद्रपाड़ा में 3 दिसंबर को होने वाला है। ये सब उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट हैं, उड़ीसा राज्य में के बालासोर में है, केंद्रपाड़ा में है, बिरसा सुंदरगढ़ में होने वाला है, बोलानी में होने वाला है 3 दिसंबर को, कोयडा सुंदरगढ़ में होने वाला है। ये सब आप लोगों को बाद में मैं बताऊंगा, जल्दी मैं 1-2 दिन में बताऊंगा। झारखंड के बोकारो में 3 दिसंबर को कैंप होने वाला है, किरीबुरू जो पश्चिम सिंहभूम में है झारखंड के, वहाँ पर भी वितरण होने वाला है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में वितरण के लिए आपको मैं बता चुका हूँ वीडियो में, वो बहराइच में भी, उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी 3 दिसंबर को वितरण शिविर लग रहा है, वहाँ पर भी अपने लाभार्थी जा करके अपना सामान ले सकते हैं। गोरखपुर में भी छोटे बच्चों को, जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गोरखपुर में भी कैंप लग रहा है 3 दिसंबर को, बनारस में भी कैंप लग रहा है, ये छोटे बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये वितरण शिविर लग रहा है, हाथरस में भी लग रहा है वितरण शिविर। ऐसे 3 दिसंबर के मौके पर, विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर भारतवर्ष में बहुत जगह कैंप लग रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ परीक्षण होने वाला है, वहाँ जा करके आप लोग परीक्षण करा सकते हैं अपना, और कहाँ कहाँ वितरण होने वाला है। जो परीक्षण पहले हो चुका है तो उन्हीं को वितरण में बुलाया जाता है, तो कहाँ कहाँ वितरण होने वाला है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को
वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहूंगा, जो 3 दिसंबर को बहुत जगह, एक मैं अगले वीडियो में मैं एक लिस्ट लेके आने वाला हूं, जिसमें कम से कम 15 से ज़्यादा जिलों का लिस्ट रहेगा जहां पर वितरण और परीक्षण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, आप लोग सब्सक्राइब भी